आपको बता दें छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष फॉर्मूले पर विचार भी हो रहा है। दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर दिल्ली में मंथन। पहले भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बनाए जा चुके हैं कार्यकारी अध्यक्ष, 2023 चुनाव के पहले फिर बनाए जा सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के पहले इस तरह का फॉर्मूला अपनाने की जो कोशिश है, जो कवायद है, कांग्रेस करती नजर आ रही है। इसके पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं दो, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मंथन जो चल रहा है दिल्ली में, उसे लेकर हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है एक बार फिर से बनाए जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष फॉर्मूले पर विचार जो है वो किया जा रहा है। दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर दिल्ली में मंथन जो है वो चल रहा है। तमाम जो दिग्गज है वो वहां पहुंचे हुए। इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जो क्या है। गौरव, जिस तरह से बात करें, लगातार कयास जो है वो लग रहे हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार के आने वाले समय में देखेगी, दो कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर क्या चर्चा जो है वो पिछले बार की तरह इस बार भी होती हुई नजर आएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है पहले भी इस तरह के प्रयोग कर चुकी है। 2018 में कांग्रेस ने शिव डहरिया और रामदयाल उइके को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। खासतौर पर कांग्रेस में ये देखा जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है तो चुनाव से साल भर पहले या दो साल पहले इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के प्रयोग को लेकर एक बार फिर दिल्ली में मंथन की जा रही है। एक बार फिर विचार प्रक्रिया में ये शामिल है कि क्या छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग वर्गों से कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आदिवासी वर्ग से आते हैं, ऐसे में ओबीसी या एससी वर्ग से या एक सामान्य वर्ग से किसी नेता को जिम्मेदारी दे दी जाए, इस पर दिल्ली में मंथन की जा रही है। इसका नतीजा जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसका नतीजा कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन ये फार्मूला जो है वो कांग्रेस का जांचा परखा फार्मूला है, और इसके पहले भी चुनावों में देखने को मिला है। 2013 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 2013 के चुनाव में भी इसी तरह के फार्मूले को लागू किया गया था। तब धनेंद्र साहू अध्यक्ष हुआ करते थे और सत्यनारायण शर्मा और डॉक्टर चरणदास महंत को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसी तर्ज पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव के पहले कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि बदलाव की पूरी प्रक्रिया में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ही चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें इस बात को लेकर भी विचार किया जा रहा है कि क्या नए अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए, या नए अध्यक्ष के बदलाव को टालकर कार्यकारी अध्यक्ष दो या तीन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, मध्य प्रदेश में तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। अलग अलग राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक सीमाओं को देखते हुए इस बात का निर्णय लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में दो या तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर इस वक्त दिल्ली में विचार की जा रही है। बिल्कुल गौरव, दो का जो फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि किस तरह से हुआ है, लेकिन चुनौतियां काफी बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होना है विधानसभा का। तो ऐसे में अभी बस्तर का भी खासतौर से अगर हम बात करें तो सांसद दीपक बैज ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री के साथ। तो दो अलग अलग जिस तरह से आदिवासी वर्ग को देखें अगर साधने की कोशिश करना है, या फिर आपने भी कहा कि ओबीसी वर्ग को भी साधने की कोशिश करना है, तो दोनों स्थितियों में किसका नाम जो है वो प्रबल दिख रहा है? देखिए, कई ऐसे नाम हैं जिन पर विचार इस वक्त किया जा रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर हो, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष के पद को लेकर हो। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि पीसीसी चीफ के रूप में मोहन मरकाम की ताजपोशी की गई थी, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। अगर मोहन मरकाम को हटाया भी जाता है तो ये माना जा रहा है कि किसी आदिवासी नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें शिशुपाल सोरी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात आती तो एससी वर्ग से और सामान्य वर्ग से बनाए जा सकते हैं। चूंकि सीएम ओबीसी वर्ग से आते हैं, पीसीसी चीफ आदिवासी वर्ग से हैं, ऐसे में एससी और सामान्य वर्ग को प्राथमिकता दी जा सकती है। कौन चेहरे होंगे इस पर बाद में मंथन किया जाएगा, या संभवतया उस पर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं बनाया जाए इस पर चर्चा की जा रही है। और चूंकि कांग्रेस की संस्कृति रही है, जैसे कि मैंने बताया कि दो कार्यकारी अध्यक्ष पर मंथन जो है वो चल रहा है। गौरव, अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियां दिखती हैं और किस तरह का बदलाव जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।